इट्स अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस. तो रिसेंटली न्यूज़पेपर हेडलाइंस में फुल रिजर्व बैंकिंग वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है, ऐसी कुछ हेडलाइंस हैं. तो इसके बारे में हम थोड़ा टॉपिक कवर कर लेते हैं. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. देन वी विल सी व्हाई न्यूज, व्हाट इज दिस फुल रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग किसे कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, क्रिटिक्स क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं दोनों सिस्टम्स को जो सपोर्ट करने वाले हैं. इसके बाद हम देखेंगे बैंक रन किसे कहा जाता है. रिसेंट एक बैंक रन हुआ था, वो भी देख लेंगे हम. देन प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो आप इधर डायग्राम देख रहे हैं, ये एक्चुअली फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम का है. अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. नाउ व्हाई इन यूज, इकोनॉमिस्ट जो है ये एक डिबेट में एंगेज्ड हैं कि फुल रिजर्व बैंकिंग, जो 100% रिजर्व बैंकिंग होती है, वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, कौन सी रैंकिंग ज्यादा बेटर है, बैंकिंग ज्यादा बेटर है. सो व्हाट इज दिस फुल रिजर्व बैंकिंग. फुल रिजर्व बैंकिंग एक्चुअली 100% रिजर्व बैंकिंग को कहा जाता है. एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो बैंक होता है वो कस्टमर, जो भी डिमांड डिपॉजिट कस्टमर का होता है, उसका 100% ही स्टोर करके रखते हैं किसी वॉल्ट में. तो ये चीज़ है. इस पर कुछ एक्स्ट्रा आपसे सर्विस चार्ज वगैरह ले सकते हैं. सो ये एक फुल रिजर्व बैंकिंग है. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? सो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दो चीज़ें होती हैं. डिमांड डिपॉजिट जो आप मनी बैंक में जमा करते हैं और आप किसी भी टाइम उसको विड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कार्ड और बाय यूजिंग योर एनी बाय गोइंग टू द बैंक और बाय यूजिंग योर मोबाइल फोन्स, राइट. सो वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. देन यू हैव द टर्म डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिपॉजिट होता है, जैसे कि FD लोग करवाते हैं, राइट. लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होते हैं. सो दीज आर द टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट. इस फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक है इनको अलाउ नहीं है कि वो जो कस्टमर का इन्होंने जो डिपॉजिट किया था इसको यूज कर सके लोन देने के लिए. इंस्टेड वो केवल एक कस्टोडियन की तरह काम करते हैं. वो केवल अपने वॉल्ट में उस डिपॉजिट को सिक्योरली रखेंगे, एक फीस वो चार्ज कर लेंगे. अगर इस सर्विस के लिए वो फीस चार्ज करेंगे तो नाउ आता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जिसको एक्सपेंडिंग क्रेडिट एंड रिस्क सिस्टम भी कहा जाता है. फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में नाम से ही आप देख रहे होंगे कि रिजर्व बैंकिंग है, बट फ्रैक्शनल है. ये करंटली प्रैक्टिस में है. ये बैंक को बेसिकली अलाउ करता है कि वो जितना कैश वो अपने वॉल्ट में होल्ड करके रखते हैं कस्टमर का, वो उससे ज्यादा का लोन मार्केट में दे सकते हैं. ये सिस्टम ज्यादातर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है लेंडिंग के लिए जो दिया जाता है वो हाईली इस पर रिलाई होता है. नाउ इसमें बैंक रन, जो बैंक भाग जाते हैं, या बैंक रन एक पोटेंशियल रिस्क होता है अगर डिपॉजिटर्स बहुत सारे एक साथ अगर अपना डिमांड कैश, जो डिमांड डिपॉजिट है, वो बाहर निकालने लगे. तो अगर वो बैंक से बाहर निकालने लगेंगे एक साथ डिपॉजिट्स, तो एक तरीके से ये बैंक दिवालिया हो जाएगा. एंड बैंक रन वुड बी देयर. रीजन कुड बी एनीथिंग. कोई अफवाह हो सकती है, कोई पेंडेमिक हो सकता है, अर्जेंट नीड ऑफ कैश हो सकता है सोसाइटी में. सो देयर आर मेनी थिंग्स. हाउएवर जो सेंट्रल बैंक है ये एक इमरजेंसी कैश देते हैं इमीडिएट बैंक को, जैसे रेपो रेट या रिवर्स रेपो वगैरह जो होता है, ऐसे ट्यूल्स देते हैं ताकि वो अगर उन पे इमीडिएट क्राइसिस आता भी है तो वो सेंट्रल बैंक पर ट्रांसफर हो जाता है. नाउ सेफगार्डिंग क्या है इसको लेके, तो ये दो चीजें हैं, फ्रैक्शनल और फुल फ्रैक्शनल. तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में जो आपका सेफगार्डेड है वो भी है, प्लस लेंडिंग आउट मनी भी है. ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का लेंड आउट एक्चुअली होता है. फुल रिजर्व बैंकिंग में जो है ये पूरा पूरा मनी केवल यहाँ पे वॉल्ट में सिक्योर रखा जाता है. अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हम बारे में देख लेते हैं. तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में एक्चुअली सपोर्टर्स ये बिलीव करते हैं कि इकोनॉमी को फ्री करता है जो रियल सेविंग के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ाएगा इकोनॉमी की. जो फुल रिजर्व बैंकिंग के सपोर्टर्स हैं ये कहते हैं कि ये ज़्यादा नेचुरल है, ट्रेडिशनल है, ये बैंक रन को प्रिवेंट करता है. बैंक की जो एबिलिटी है कि वो पैसा बना सकता है, टू क्रिएट मनी, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए वो मनी क्रिएट कर सकता है, राइट, ये इस एबिलिटी को लिमिट कर देता है. जो फर्दर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा ज्यादा मनी होने से, ज्यादा मनी सप्लाई होने से, तो उस चीज को प्रिवेंट करता है. नाउ व्हाट आर द एक्सपर्ट्स व्यूज ऑन द दिस फुल रिजर्व और फ्रिक्शनल, ये दिस फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम. ये फ्रैक्शन है, फ्रिक्शन नहीं, राइट. सो जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के लोग हैं ये बिलीव करते हैं कि ये अननेसेसरी जो बैंकिंग लेंडिंग है, जो फुल रिजर्व बैंकिंग है, ये अननेसेसरी इसको रेस्ट्रिक्ट करता है बैंकिंग की जो लेंडिंग पावर है. ये बिलीव करते हैं कि बैंक को अगर हम ज्यादा लोन क्रिएट करने को देते हैं विदाउट नेसेसरी सेविंग इन दिस बैंक्स, तो ये जो लोन होते हैं ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएंगे उस रीजन की. हाउएवर जो फुल रिजर्व बैंकिंग के जो सपोर्ट है ये कहते हैं कि ये ओनली ये नेचुरल फॉर्म ऑफ बैंकिंग है,
ये प्रिवेंट कर सकता है बहुत सारे क्राइसिस से, जो कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बहुत सारे चैलेंजेस जो लेकर आता है। जो फुल रिजर्व बैंकिंग के सपोर्टर हैं ये भी आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि बैंक मनी नहीं बना सकता आउट ऑफ द थिन एयर, राइट? तो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में इनका जो इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की मनी सप्लाई पे, ये सीवियरली रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो सेंट्रल बैंक आसानी से या गवर्नमेंट आसानी से उन्हें रेगुलेट कर पाएगी। ये फर्दर आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बूम्स जो हो जाते हैं या आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बस्ट हो जाते हैं जो चेंजेस मनी सप्लाई में आते हैं, तो इन चीजों को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज अ बैंक रन? रिसेंटली न्यूज आई थी, बैंक रन जहां लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एक साथ अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं किसी बैंक से, और इस कारण बैंक के पास फर्दर रुपए नहीं होते कि वो बाकियों का डिपॉजिट एक्चुअली उसमें रुक जाता है। इस केस में एक्चुअली बैंक रन इज देयर, राइट? या बैंक दिवालिया हो जाना इसको कहा जाता है। रिसेंटली जो न्यूज है सबसे लेटेस्ट वो मार्च 15 की है, जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक जो था ये एक बैंक रन के उसमें आया था। बैंक रन को प्रिवेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो दैट DICGC, राइट? DICGC ये जो है ये एक तरीके से बैंक को डिपॉजिट इंश्योरेंस देता है, या डिपॉजिटर्स अगर बैंक रन का केस होता है तो ये केवल 5 लाख रुपए उस केस में इनिशियली प्रोवाइड आपको करा देगा। ये एक चीज है। देन इम्पैक्ट क्या होगा बैंक रन का? बैंक रन जो होता है लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाते हैं, अचानक से अगर मासिव विड्रॉल होगा फंड का तो लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएंगे बैंक के लिए। बैंक के पास ज्यादा कैश नहीं होगा कि वो विड्रॉल रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके, तो वो यूजर्स के अकाउंट ब्लॉक कर देगा, और ये फर्दर जो है ये और ज्यादा डिपॉजिटर्स के अंदर ये पैनिक क्रिएट कर देता है। देन नाउ देर इज द कंटेजियन इफेक्ट, जैसे एक रिपल इफेक्ट होता है, अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारे रिपल्स उसके चारों डायरेक्शन में जाते हैं। तो जब फियर स्प्रेड होता है, एक बैंक रन होता है तो अदर प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम या और बैंकिंग सिस्टम्स में भी एक फियर रन होने लगेगा, तो ये एक ब्रॉडर फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगेंगे। नाउ कॉन्फिडेंस नहीं रहता लोगों को, पब्लिक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है पूरे बैंकिंग सिस्टम पर ही, एंड ये बेसिकली जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होते हैं लोग ये नहीं कराते हैं। फर्दर बैंक्स के लिए बहुत हार्ड होता है कि वो पैसा लेंड कर सकें या इकोनॉमिक ग्रोथ में वो सपोर्ट कर सकें, ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो है ये इनफॉर्मलाइजेशन भी कराता है इकोनॉमी का। तो ये पर्सपेक्टिव्स थे बैंक रन को लेके सारी चीजें। सो नाउ वी हैव आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो बैंक रन आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस में जो प्राइवेट बैंक होते हैं या जो कॉर्पोरेट बैंक होते हैं, सो यहाँ पे कई बार देखा जाता है। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, सो द मोस्ट वाइडली यूज मॉनिटरी पॉलिसी टूल अमंग दीज इज Is it open market operation, issuing of note, close market operations or the discount rate? So you can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have a today's mains practice question, that what do you understand by a bank run or run on the bank? How is RBI ensuring financial stability and preemption of bank runs in the light of recent demonetization? Critically examine. Critically examine. You have to write the pros and cons of this. So you can try the question, and if you want, you can join our mains test series. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day. Hope you understood it. Stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.